ब्रासिकेसी। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक फीचर की बात करते हैं। तो जब हम ब्रासिकेसी की बात करते हैं तो आपके डायग्नोस्टिक फीचर में हम कहते हैं, पहला है कि इसमें जो आपके पंजेंट स्मेल ऑफ सल्फर ग्लूकोसाइड्स की आती है, जैसे कि आप सरसों का तेल लेते हैं तो उसमें आपको एक स्मेल आती है सल्फर की, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर ग्लूकोसाइड्स बॉन्ड। सेकेंडली, इसका जो फ्लावर होता है वो टेट्रामेरस होता है और क्रूसीफॉर्म होती है। तो जब हम इसकी बात करते हैं आपकी ब्रासिकेसी की, तो दिस इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रासिकेसी, जिसमें आपका क्रोला जो होता है वो क्रूसीफॉर्म शेप में होता है, जबकि एंडोशियम आपका जो होता है टेट्राडाइनमस कंडीशन होता है। जबकि आप एब्रेस मारा की बात करते हैं तो वहां पे जो नेक्टरीज भी प्रेजेंट होती है 4 ही नंबर। तो आप इसका नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि इसका नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक फीचर होता है वो उसको होता है फ्रूट। फ्रूट होता है इसका सिलिकुआ या सिलिकुला टाइप। तो ये जो डायग्नोस्टिक फीचर है ये हम बार बार करेंगे। तो जैसे कि ये डायग्राम गया है कि इसमें जो है पेटल आपके क्रूसीफॉर्म में अरेन्ज है, जबकि आपके अगर हम एंथर की बात करते हैं तो इसमें जो आपके एंथर टेट्राडाइनमस कंडीशन में होते हैं, यानी कि दो छोटे और चार आपके बड़े होते हैं। जो छोटे वाले होते हैं वो आपके आउटर साइड में हैं और अंदर वाले लोग जो हैं आपके जो लोंगर है वो अंदर की साइड प्रेजेंट है। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हैं कि आपके जो ये हैं फ्लोरल पार्ट वो गाइनोशियम के नीचे से निकल रहे हैं। तो यानी कि ये क्या होगी, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस होता है कि हाइपो यानी नीचे, गाइनस यानी ओवरी, ओवरी के नीचे से आपके फ्लोरल पार्ट का निकलना। तो यहाँ पे ओवरी क्या होगी, आपकी सुपीरियर होगी। तो फ्रूट की हम बात करते हैं तो इसमें जो है सिलिकॉन टाइप का होता है। सिलिकॉन क्या होता है, इसमें ये कहता है कि पाइकार्पेलरी आपका फ्रूट है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है, लेकिन यूनिलोकुलर है, लेकिन ये हमारे दिखाई देता है बाइलोकुलर। क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं फाल्स सेप्टम की फॉर्मेशन होती है। इस फाल्स सेप्टम को हम बोलते हैं डिप्लम। अगर आपने सरसों का अगर कभी ध्यान से देखा हो, कभी सरसों का ध्यान से अगर फ्रूट देखा है तो उसमें आप देखते हैं व्हाइट कलर की आपकी ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है। तो इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डिप्लम, जो कि आपकी जो आपकी सिंगल चैम्बर लोकुलर चैम्बर है ये आपके जो है टू चैम्बर में दिखाई देने लगती है। सिलिकुला में सेम होता है जैसे कि आपके सिलिकुआ में होता है। डिफरेंस क्या होता है, इसमें सीड्स जो होते कम होते हैं, ये छोटा साइज का होता है और ये फ्लैट होता है, जैसे कि आपका एबिस मारा का दिख रहा है। एवरेज हमारा में दिख रहे हैं यहाँ पे कि इसका फ्लैट जो साइज छोटा हो गया और आपका जो ये फ्लैट हो गया। सेम आपका जो है कैप्सुला बोर्सा पेस्टोरियस में हो गया, तो ये जो आपके चौड़े हो गए हैं लेकिन सीड्स जो है आपके कम हो जाते हैं, तो उस वाले फ्रूट को बोलते हैं सिलिकुला। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लास ये जो है डाइकोटिलेडन्स बिलोंग करते हैं। सब क्लास पॉलीपेटली, पॉलीपेटली यानी कि जहाँ पे पेटल्स आपके फ्री फॉर्म में है। सीरीज थैलमिफ्लोरी, थैलमिफ्लोरी में क्या होता है कि ओवरी आपकी सुपीरियर होती है, आपके कैलिक्स जो होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं और फ्री होते हैं। स्टेमस इसमें मैनिकल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैनिका, जैसे कि इसमें 16 नंबर होते हैं आपके। अगर ब्रासिकेसी की बात करते हैं वहीं पर, अगर मालवेसी की बात करते हैं तो वहां पे मैनी होते हैं। तो ये थैलमी फ्लोरी में हम कह सकते हैं आपका दैट इज द मेन स्टेमस। तो ऑर्डर आपका है पेराइटल्स। पेराइटल्स में आपके जो है कार्पल्स यूनिट इनटू यूनिलोकुलर ओवरी, और जो आपके प्लेसेंटेशन होता है वो पेराइटल होता है। इसी के नाम पे इसका नाम ऑर्डर जो है पेराइटल्स हो जाता है। फैमिली आपकी जो है ब्रासिकेसी या क्रूसीफॉर्म, जैसे क्रूसीफॉर्म यानी कि इसके पेटल क्रॉस फॉर्म है, इसलिए इसको क्रूसीफेयर भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, तो ये अबाउट 375 जेनरा से जेनरा बिलोंग करते हैं, जिसमें अबाउट 3000 स्पीसीज होते हैं। मोस्टली अबंडेंट इन टेम्परेट एंड कोल्ड पार्ट ऑफ इंडिया।
मोस्टली हर्बेशियस से ये एनुअल भी हो सकती है, बाइनियल भी हो सकती है, पेरिनियल भी होती है। जनरल क्योंकि ब्रासिकेसी है तो इसमें जो मेजर जनरल है दैट इज द ब्रासिका, तो ब्रासिका के नाम से इस फैमिली का नाम पड़ा ब्रासिकेसी। तो ब्रासिका नाइग्रा दैट इज द ब्लैक मस्टर्ड, ब्रासिका रहा पार्टनर नेम, ब्रासिका जिनका इंडियन मस्टर्ड या ब्राउन मस्टर्ड, ब्रासिका कैपिटाटा कैबेज या बंद गोभी, ब्रासिका बोटरिटिस कॉलीफ्लावर फूल गोभी, ब्रासिका कंपेस्टेट मस्टर्ड, ब्रासिका एल्बा व्हाइट मस्टर्ड, ब्रासिका नेपस रेप सीड, ब्रासिका गोंगिलो नोलखोल, ब्रासिका गेमिफिरा इसे बोलते हैं रूसल स्पोर्स, डेफिनेस डाइवर्स रेडिश, चेरेंथस चेरी वॉलपेपर वॉलफ्लावर कहते हैं, कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस जिसे हम बोलते हैं सैफर्ड पर्स के नाम से जानते हैं, ड्यू टू द शेप ऑफ द आपके जो इसके फ्रूट का होता है, सेनेप्सिस दैट इज व्हाइट मस्टर्ड, लुनेरिया एलिसियम बास्केट ऑफ गोल्ड, रैपिस रोक्रेस, एरुका स्टाइवा तारा मीरा, एब्रिस हमारा कैंडिडेट, मैथियोला इन इनकाना स्टॉक्स। तो ये डिफरेंट आपके जो है इसमें जीनस है जो कि बिलोंग करते हैं आपके ब्रासिकेसी फैमिली से। वेजिटेटिव कहते हैं वाटरली एक्रिड या बाइटर जूस होता है वेजिटेटिव पार्ट का, पेपरी टेस्ट ड्यू टू मस्टर्ड ग्लूकोसिनोलेट्स, रूट इसकी टैप रूट सिस्टम होते हैं, कई रूट में इसका जो फूड स्टोर होता है जैसे कि डेडिश टर्निप में, स्टेम यूजुअली सॉफ्ट इरेक्ट सिलेंड्रिकल प्रेजेंस ऑफ ग्लैंडुलर सिंपल स्टिलर हेयर्स होते हैं, कंटेन पंजेंट स्मेल वाटरी जूस, एरियल स्टेम जो स्वोलन होती है नोल में रिड्यूस होते हैं आपके रेडिश को टर्निप में। लिप्स की अगर बात करते हैं तो ये सिंपल होती है एंटायर अल्टरनेट एक्सटिपुलेट, एक्सटिपुलेट की अगर हम बात करते हैं तो आप अगर देख रहे हैं लिप्स के साथ ही हल्की सी जो आपकी एक निकली हुई आउटग्रोथ तो दैट इज द एक्सटिपुलेट लाइन और रेडिकल सिंपल टू लोब ऑफन ए बेसल रोजेटी रेमल लाइरेट कव कवर्ड बाय द सिंपल और ब्रांच हेयर। तो कई बार जो बल्बिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि डेंटेरिया बल्बिफेरा में। फ्लोरल करेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनफ्लोरिसेंसिस में जो होते हैं आपकी रेसिमोस या कोरिम्बोस टाइप की होती है। रेसिमोस में क्या होता है कि जो ओल्डर वन होते हैं आपके वो बेस पे होते हैं और इनका जो आपका पेडेंकल है वो लंबा होता है, पेडिसल्स जो होता है आपका लंबा होता है, जबकि आपके जो यंगर वन होते हैं वो टिप पे होते हैं और इनका जो पेडिसल्स होता है वो शॉर्ट इन साइज होता है और ये अल्टरनेट में अरेंज होते हैं। सेकेंड अगर हम कोरियम की बात करते हैं तो इसमें ये क्या कहते हैं यंगर वन आपके हैं लेकिन क्या है कि ये एक ही लेवल पर रेंज है, आपके रेसिम में एक लेवल पर रेंज नहीं है लेकिन कोरियम में ये आपके एक लेवल पर रेंज हो जाते हैं। कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो इसमें कोरम्बोस रेसिमोस टाइप की होती है। फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर इसमें कंप्लीट रेगुलर हर्माफ्रोडाइट एक्टिनोमोर्फिक इप्रैक्टेट पेडिसलेट डाइमेरिस या टेट्रामेरिस होता है और क्रूसिफॉर्म होती है और हाइपोगाइनेसिक नेचर होता है लेकिन समटाइम ये जाइगोमोर्फिक होता है और इरेगुलर होता है। इसका एग्जांपल है कैंडिडेट में कैलिक्स की बात करते हैं तो कैलिक्स में जो आपके सेपल फोर होते हैं फ्री होती है पॉलीसेपल्स होते हैं, पॉलीसेपल्स का मतलब फ्री फॉर्म में होते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इन्फीरियर लेटरल सेपल्स पाउचेस टू स्टोर नेक्टर्स, आउटर सेपल्स आर ऑफन लार्ज एंड सेक्टेड एट द बेस वेयर एज द इनर टू पेटल्स आर यूजुअली स्लिमर। तो ये टू वल्स में रेंज होते हैं, हर एक वल्स जो है टू आपके सेपल्स अरेंज करते हैं, लेटरल सेपल जो होते हैं इनर साइड में होते हैं जबकि एंटीरियर पोस्टर जो होते हैं आउटर सेपल कहलाते हैं। कोरोला की बात करते हैं तो ये भी जो होते हैं पॉलीपेटलस होते हैं यानी कि ये भी फ्री फॉर्म में होते हैं, यूजली लॉन्ग क्लाउड अनवीकुलेट होते हैं
कुर्सी शेप ऑफ थिंगी, इसमें वेलवेट एस्टिमेशन होते हैं, ये वर्ल्स में रेंज्ड होते हैं और अल्टरनेट होते हैं विद द सेपल्स। कई बार ये स्मॉल और एब्सेंट होते हैं जैसे कि लेपिडियम, नेस्टूटियम, कोरोनोपस में। एंड्रोशियम की बात करते हैं तो 16 नंबर होते हैं, टेट्रा डायनामिक कंडीशन होती है, यानी कि ये टू वर्ल्स में रेंज होते हैं, आउटर में टू और इनर में फोर। जो आउटर में होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इनर में होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। डायथिकस होता है, इंट्रोज या एक्सट्रोज कोशिकल कंडीशन हो सकती है। इंफीरियर ग्रीन नेक्टरीज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्टेमन और ये बेसिफिस्ट होते हैं। टू शॉर्ट स्टेमन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, जैसे कि कार्डामाइन हिस्टामिन। फिलामेंट आर विंग्ड और विद टूथ लाइक अपेंडेजेस, ये एलिसम में होते हैं। फोर स्टेमन जो आपके नेस्टोरियम में प्रेजेंट होते हैं। ओनली टू लेटरल स्टेमन जो आपके डायडाइमस में प्रेजेंट होते हैं। गाइनोशियम की अगर हम बात करते हैं, गाइनोशियम बाइकार्पेल सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी होती है, इसमें ब्राइटल प्लेसेंटेशन होती है, यूनिलोकुलर होता है, समटाइम बायलोकुलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाल सेप्टम। मैनी ओवल्स होते हैं, ओवल्स जो आपका एनाट्रोपस या कंपाइलोट्रोपस हो सकता है। बायलोब्ड और डिस्कोइड स्टिग्मा होता है, स्टाइल सिंपल या एब्सेंट होता है। टेट्रा कार्पेलरी आपका जो है टेट्रापोम में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो है दिखाया गया है, दैट इज द पेराइटल प्लेसेंटेशन, यानी कि जो प्लेसेंटेशन है वो आपकी पेरिफ्री पे रेंज है। यहाँ पे अगर ब्रास का कंपेस्टिस दिख रही है तो आप देख रहे हैं येलो कलर का है आपका, और ऊपर अगर हम बात करें तो आपका ये ग्रीनिश टाइप का है जहां पे के आपके ओवल्स भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होते हैं वो होते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट इसमें जो है सिलिकॉन टाइप का होता है या सिलिकुला, सिलिकॉन यानी कि सिलेंड्रिकल पोड होते हैं जो कि दोनों टू सूचर से आपके जो है डायसेंस हो सकते हैं। सिलिकुला में जैसे मैंने बताया था पोड जो होता है शॉर्ट पोड होता है, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। समटाइम जो लोमेंटम टाइप का होता है जैसे कि रेफ्यूज। सीड से इसमें जो है आपका एक्स एल्ब्यूमिनस विद लार्ज इम्ब्रियो, लार्ज इनक्यूबेंट कोटिलेडंस होता है, इनक्यूबेंट कोटिलेडन जाए इसमें रेडिकल जो है इज टर्न अप ऑन द बैक ऑफ वन कोटिलेडन। और एक्यूबेंट क्या होता है जिसमें रेडिकल इज फेसिंग द एज ऑफ बोथ कोटिलेडन और ये फोल्डेड भी हो सकता है। सीड्स डिस्पर्स बाय द बर्ड्स कैटल विंड और वाटर। पोलिनेशन जो होती है सेल्फ पोलिनेशन या इंसेक्ट पोलिनेशन हो सकती है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो मस्टर्ड का है ई ब्रैक्टेड, ई ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है। कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रोशियम 2+4, टेट्राडायनामस कंडीशन। गाइनोशियम जो आपके सुपीरियर होते हैं 2 नंबर होते हैं। कैंडिडेट में क्या आपका ई ब्रैक्टेड है, जाइगोमॉर्फिक है, मेल फीमेल प्रेजेंट है, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4x, एंड्रोशियम 2+4, गाइनोशियम 2 एंड सुपीरियर ओवरी। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रासिका कंपेस्टिस एंड एब्रिसिमारा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो आपका पहला तो है नेक्टरीज, एब्रिसिमारा में ये जो है आपकी 4 नेक्टरीज जो आपकी प्रेजेंट है, 1, 2, 3 एंड 4। दूसरा इसमें जैसे कि कहा था इसमें जो है जाइगोमॉर्फिक होता है जबकि बाकियों में आपका एक्टिनोमॉर्फिक होता है। इकोनॉमिक यूज की अगर हम बात करते हैं तो ब्रासिका की काफी यूजेज हैं। फर्स्ट वन इज द ऑर्नामेंटल, एज ए डाई, एज ए फोल्डर, कॉन्डिमेंट्स, फूड यील्डिंग प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग एंड मेडिसिनल यील्डिंग प्लांट। तो फर्स्ट आता है ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट में आपके यहाँ के मैथ्यूलेंसना, चिरेंथस चेराई, नेस्टूटियम इंडिकम, एरिका स्टाइवा, एलिसियम, एब्रिसमारा, रेबिस हिस्टा, एरिसियम। डाई यील्डिंग प्लांट इसे टेस टिंटोरिस वुड प्लांट, इसको जो है इससे हमें ब्लू डाइज मिलती है।
केटल फीडर एंड फोडर यील्डिंग प्लांट्स। तो ब्रैसिका की डिफरेंट स्पीसीज होता है, डिफरेंट स्पीसीज जो होती हैं उनका जो ऑयल केक खोल जिसे बोलते हैं वो ऑब्टेंड होती है बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल, तो उसको यूज करते हैं जी कैटल फीड और मैन्योर के रूप में। एरिकोस्टाइवा द प्लांट इज यूज एज द कैटल फूडर। कॉन्डिमेंट्स यील्डिंग प्लांट, कॉन्डिमेंट्स होते हैं जो आपके फूड को फ्लेवर देते हैं। तो जब हम कॉन्डिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका ब्रासिका नाइग्रा ब्लैक मस्टर्ड, ब्रासिका जूनका राई या ब्राउन मस्टर्ड, ब्रासिका एल्बा सफेद राई। तो ये एज ए कॉन्डिमेंट आपके यूज होते हैं। फूड यील्डिंग प्लांट की बात करते हैं तो इसमें जब फूड यील्डिंग में मोस्टली जो है वेजिटेबल यूज करते हैं आपके ब्रैसिकेसी फैमिली में, तो जो यंग बड और लीव्स एंड शूटर वो अपने नॉर्थ इंडिया में यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल, जिसमें आपके आते हैं ब्रासिका गोंगलोर्स होल रबी, इसकी फ्रेश स्टेम में यूज करते हैं। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस टेंडर लीव्स एंड शूट यूज करते हैं। ब्रासिका हिस्ट्रा या ब्रासिका जूनका, इसकी यंग लीव्स एंड टेंडर शूट एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। बर्ड्स एंड लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रासिका कैपिटाटम कैबेज या बंद गोभी, ब्रासिका जेमिफिरा बटन गोभी ब्रूसल स्प्राउट। इनफ्लोरिसेंस की बात करते हैं तो ब्रासिका बोट्रिटिस कॉलीफ्लावर या फूल गोभी जो है एज ए यूज करते हैं वेजिटेबल के रूप में। सीड्स की बात करते हैं तो ब्रासिका नेपस ब्रासिका नाइग्रा, ये एज ए स्पाइस और कंडीमेंट्स के रूप में यूज करते हैं। रूट की अगर हम बात करते हैं तो रेफिनस टाइवस यानी मूली रेडिश, रेफिनस कैडेटस सिंगड़ी, रेफिनस चापा टर्निप, ये एज ए यूज करते हैं हम वेजिटेबल। द फ्लैशी रूट एंड पोड मूंगरा इज यूज एज वेजिटेबल। पोड की अगर बात करते हैं तो रेफिनस टाइवस मूंगरा, रेफिनस कैंडिटस सिंगड़ा, ये दोनों यूज करते हैं। पोड हर्ब की बात हो रही है तो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस ब्रासिका गोंगलियोर खोल खोल जिसे बोलते हैं या गंद गोभी, लेपिडेरम सेटिवम हेलियम, इनकी सीड्स जो होते हैं यूज करते हैं जो वेजिटेबल एंड पल्सेस। तो दीज आर द एग्जांपल दैट इज द ब्रासिका कैपिटाटा बंद गोभी, ब्रासिका बोट्रिटस कॉलीफ्लावर, ब्रासिका जेमिफिरा दैट इज द ब्रूसल स्प्राउट, रेफिनस टाइवस मूली। इसके अलावा रेफिनस कैंडिडस सिंगरे जिनकी सब्जी होती है, रेफिनस गोंगलोट्स खोल खोल या गंद गोभी जिसे हम कहते हैं, ब्रासिका रापा दैट इज द टर्निंग। ऑल यील्डिंग प्लांट की अगर बात करते हैं तो हमें जो है ब्रासिका से जो है ऑयल भी मिलता है जो कि यूज किया जाता है आपका कुकिंग में भी करते हैं, बर्निंग एंड मसाज में भी करते हैं। ब्रासिका कंपेस्टिस येलो सरसों जिसे कहते हैं, मैनी वराइटीज हैं जो आपकी ऑयल यील्डिंग क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। ये ग्रो होते हैं पंजाब यूपी बिहार आसाम हरियाणा एक्सेट्रा। ऑयल जो इसका होता है यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स कुकिंग बर्निंग लैम्प लुब्रिकेंट एंड मसाजिंग बॉडी। इसके अलावा सीड्स ऑफ ब्रासिका हर्टा ब्रासिका कंपेस्ट्रिस ब्रासिका एल्बा ब्रासिका जूनका ब्रासिका नाइग्रा ब्रासिका नेपस एरुकास्टाइवा, ये इनसे जो हमें फैटी ऑयल प्राप्त होता है। ब्रैसिका जूनका जो है आपका कुकिंग पर्पज में भी यूज किया जाता है। तो दीज आर द सम फ्लावर ब्रैसिका नेपस ब्रैसिका रप्पा ब्रैसिका नाइग्रा ब्रैसिका जूनका दैट इज अ कनोला ऑयल जो आपका यूज किया जाता है आपका एज ए डीप फ्राई के लिए और बेकिंग बना करने के लिए यूज करते हैं इसको। इसके अलावा जो है आपकी मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं चेरेंथस चेरी वॉल फ्लावर या आपकी तोदरी भी बोलते हैं। इसका सीड्स जो होता है यूज किया जाता है ड्राई ब्रोंकाइटिस में फीवर में इंजरी ऑफ आइज में। फ्लावर इसका यूज किया जाता है ट्रीटिंग पैरालिसिस एंड इम्पोटेंस में। टोरिपा इंडिका और एबिसमर इन दो प्लांटों को हम यूज करते हैं ट्रीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइजम में गाउट में और इसके शेड्स यूज होते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा लेपिडियम सेटिवम की बात कहते हैं जिसे हम बोलते हैं हेलियम या ग्रीन क्रेस, इसके शेड्स यूज होते हैं आपके लीवर डिजीज में। रूट होते हैं टू क्योर द सिफिलिस पेल्स एंड कफ के लिए।
इनकाना की बात करते हैं तो इसका शेड्स और वाइन कंबाइन यूज करते हैं एज एंटीडोट फॉर बॉजिंग बाइट्स। दे आल्सो यूज्ड एज द टॉनिक इन स्टमक पेन्स। एरिकोस्टेमा या तारामीरा की बात करते हैं तो ये क्योर करता है स्किन इन्फेक्शन को। नेस्टोटेम इंडिकम या ऑफिस नेल्स, ब्राह्मी साग जिसे हम बोलते हैं, इसका शेड यूज होता है अस्थमा के लिए। सिसिम्ब्रियम इरियो खोकला, ये यूज करते हैं टू क्योर अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। सिसिम्ब्रियम ऑफिसिनेंसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टेम और लीव्स यूज करते हैं टू फोर स्कर्वी एंड स्कोफुला डिजीज के लिए। सेफर्ड पर्स की बात करते हैं तो ये हिमोराइजा में यूज करते हैं टू क्योर द हिमोराइजा।